नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, राफेल के रहस्य और घोटाले की परतें आए दिन खुलती जा रही हैं और आज क्या हुआ? ऑडियो प्रॉब्लम। हेलो हेलो, मेरा आ रहा है, दिस इज ऑडियो प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, राफेल के घोटाले और रहस्य की परतें खुलती जा रही हैं। चौकीदार चोर है अब आपके सामने है। बगैर किसी विलंब के मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो उस कड़ी का अगला रहस्य आपको बताएं। आदरणीय राहुल जी, हैप्पी न्यू ईयर। I'd like to welcome all of you, and in this new year, thank you for doing your job so well under trying circumstances. Did you get a chance to hear this audio tape? No, you didn't. You didn't hear it. You heard it nicely. Would you like us to play it again? Would you like that? You're aware what is in the audio tape. The audio tape is a recording of a minister, health minister, in the Goa government. And he is stating clearly, saaf bol rahe hain, ki Parikar ji ne cabinet meeting mein bola ki mere paas Rafael ki file hai, pura ka pura information hai, aur mujhe कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है क्योंकि ये मेरे हाथ में है। बाय द वे, देयर माइट बी अदर टेप्स ऑफ दिस नेचर एज वेल, दिस माइट नॉट बी द ओनली टेप। द इंटायर कैबिनेट हर्ड व्हाट मिस्टर पारेकर सेड, एंड एसेंशियली व्हाट मिस्टर पारेकर इज डूइंग इज थ्रेटनिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज ही हैज information about the Rafael deal. We've been raising, काफी समय से हम ये रेज कर रहे हैं, हिंदी में कह देता हूं, काफी समय से हम ये रेज कर रहे हैं। आज रणदीप जी ने एक टेप प्ले की, उसमें गोवा के मंत्री कहते हैं कि मेरे पास राफेल की, सॉरी, गोवा के मंत्री कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में बोला कि उनके पास राफेल का पूरा इंफॉर्मेशन है, उनके पास राफेल की फाइल है, और एक प्रकार से उन्होंने गोवा की कैबिनेट मीटिंग में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया, कहा कि धमकी दी। ये रणदीप जी ने आपको आज दिखाया। सवाल यह है कि पारेकर जी के बेडरूम में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या फाइलें हैं, और इसका इंपैक्ट नरेंद्र मोदी जी पे क्या है। तो ये एक मेन बात है। शुड वी गो टू जेटली जी स्पीच नाउ। अब अपने भाषण में जेटली जी ने बोला कि 1600 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आता है, कि कांग्रेस पार्टी 1600 करोड़ रुपए की बात करती है पर एयरक्राफ्ट, हर जहाज के लिए, तो ये नंबर कांग्रेस पार्टी कहां से ला रही है, ये आपने सुना होगा। सुना? हाँ। अब हम आपको दिखाते हैं कहां से आ रहा है। क्लिप वन प्ले करिए जरा। कितने होंगे ऑफसेट? 58,000 करोड़ का पूरा डील है, ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक। अब कितने होंगे ऑफसेट? अब इन्होंने स्वयं कहा 58,000 करोड़ की डील है। राहुल गांधी ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, अरुण जेटली जी ने अपने पार्लियामेंट के भाषण में कहा
58,000 को आप 36 से डिवाइड करिए, क्या नंबर आता है? सोलह सौ। तो अरुण जेटली जी, हमें 1600 नंबर आपने दिया है अपने भाषण में। आपने देश को अपने लोकसभा के भाषण में बोला कि 58,000 करोड़ की डील है, आपने अभी वीडियो क्लिप देखी, और उसी नंबर को आप 36 से डिवाइड कीजिए, 1600 करोड़ रुपए आता है। तो ये हमारा नंबर नहीं है अरुण जेटली जी, ये आपका नंबर है। दूसरी क्लिप देखिए, क्लिप टू प्लीज। छह लोगों ने बिट दी, दो लोगों की बिट टेक्निकली सूटेबल फाइट की गई, डसॉल्ट की जो रफाल बनाते हैं और यूरो फाइटर की, ये सब इनके कार्यकाल में हो रहा था। उसके बाद उनकी प्राइस बिट दोनों की खोली गई। प्राइस बिट खोलने के बाद L1 जो था, वो रफाल को पाया गया। छह लोगों ने अब देखिए दूसरा सवाल, 526 करोड़ का नंबर कहां से आया, ये भी उन्होंने सवाल पूछा था। जेटली जी 526 करोड़ का भी आपने ही जवाब दिया। मोदी जी जहां भी जाते हैं, जेटली जी जहां भी जाते हैं, कहते हैं यूपीए के समय कुछ नहीं हुआ। आपने अपने भाषण में साफ कह दिया कि बिड की गई थी, L1 था, L12 था, L2 था, और राफेल को बिड मिली, और उसी बिड में 526 करोड़ का नंबर आता है, उसी बिड से 526 करोड़ का नंबर आता है। तो सवाल यह है कि ये जो दाम बदला गया है 526 करोड़ से 1600 करोड़ रुपए, जो पूरी सरकार ने कहा हवाई जहाज का दाम हम नहीं बता सकते हैं, आपके सामने अरुण जेटली जी दाम बता रहे हैं, आपके सामने अरुण जेटली जी कह रहे हैं 1600 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज हमने खरीदा है। तो ये जो दाम इन्फ्लेट किया गया है 526 से 1600 करोड़ रुपए, ये किसने किया, ये कैसे हुआ? और हमारा मेन सवाल है कि जब आपने 526 से 1600 करोड़ का इन्फ्लेशन किया, तो क्या एयरफोर्स ने डिसअप्रूव किया था? एयरफोर्स ने क्या ऑब्जेक्शन किया था? डिफेंस मिनिस्टर साफ इंडिकेशन दे रहे हैं और कहा है, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि मुझे नई डील के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब डायरेक्टली कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं कि मेरे पास पूरा का पूरा माल पड़ा हुआ है बेडरूम में। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रोसीजर बदला, एयरफोर्स ने ऑब्जेक्ट किया, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने हवाई जहाज का दाम 526 से 1600 करोड़ रुपए बनाया। हॉलैंड को नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बताया कि देखिए HAL को आप परे कीजिए, अनिल अंबानी जिसको अब पार्लियामेंट में नया नाम दिया गया है, डबल ए को आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे और हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा, हिंदुस्तान में इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। आप देखिए जितनी भी ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं नई चीज, नई सच्चाई निकलती है। प्राइस सीक्रेट पैक्ट है, मैक्रोन जी कहते हैं नई सीक्रेट पैक्ट नहीं है। अनिल अंबानी को डेसॉल्ट ने चूज किया, हॉलैंड कहते हैं नहीं भैया, डेसॉल्ट ने चूज नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने चूज किया। जेटली जी अपने भाषण में पहले कहते हैं भैया 1600 नंबर, 1600 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आया, इस भाषण में उन्होंने जवाब दे दिया 1600 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आया, 526 करोड़ का नंबर कहां से आ रहा है, वो भी उन्होंने यहां भाषण में दे दिया। तो युवाओं और हिंदुस्तान के किसानों, आपसे 3.5 लाख करोड़ रुपए चोरी करके हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है, युवाओं से रोजगार छीना जाता है,
हवाई जहाज फ्रांस में बनाया जाता है। अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको 30,000 करोड़ रुपए का फायदा नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली दिलवाया है। पार्लियामेंट में राफेल की चर्चा हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं खड़ी हो सकती, प्रधानमंत्री नहीं खड़े हो सकते, डिसीजन मेकर जिसने डिसीजन लिया है, जो धूमधाम के साथ फ्रांस गए, बैंड बाजे के साथ डिसीजन लिया, वो खड़ा नहीं हो सकता है। मगर अरुण जेटली जी प्रधानमंत्री को और उनके एक्शंस को डिफेंड कर रहे हैं और बिल्कुल खोखला है। देश को सच्चाई मालूम है, देश जानता है और समझता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अपने मित्र को दिया, 126 हवाई जहाज चाहिए थे, 126 हवाई जहाज की जरूरत थी। देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट बदला, 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, यह देश जानता है। और नरेंद्र मोदी जी छुप नहीं सकते हैं, जरूर डिबेट के समय वो दौड़ के घर जा सकते हैं या सामने नहीं आ सकते, मगर सच्चाई कहीं नहीं जाने वाली है, सच्चाई सच्चाई होती है। अब आपके कोई सवाल हो तो बताइए। अच्छा, एक आखिरी बात मिस हो गई। अरुण जेटली जी ने एक और बात उठाई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को फुली लोडेड एयरक्राफ्ट और बेयर शेल एयरक्राफ्ट के बीच में फर्क नहीं समझ आता। तो अब ये जो आरएफपी है, ओरिजिनल आरएफपी 2007 में जो इशू हुआ था, उसकी एक कॉपी है, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए अच्छी तरह, इसमें हाईलाइट कर रखा है आरएफपी में क्या लिखा था, मैं पढ़ लेता हूं। इट इज एसेंशियल दैट द डायरेक्ट फ्लाईवे एयरक्राफ्ट बी डिलीवर्ड विद ए फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेपन्स एंड द वेपन पैकेज शुड बी इंटेग्रल टू द फ्लाईवे एयरक्राफ्ट। The weapons capability requirement is placed at annexure 4 to an appendix A. The total quantity of weapons to be procured is indicated in annexure 1 to appendix F. In addition to weapons, launchers and pylons would have to be provided. The requirement for launchers is tabulated below. एंड यहां पे पूरी लिस्ट दे रखी है, रेडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इंटरनल ईसीएम, काउंटर मेजर्स, लेजर वार्निंग, ये सब लिस्ट दे रखी है कि इस राफेल हवाई जहाज में क्या एडिशनल इक्विपमेंट होना चाहिए। ये हम इसको आसमान से नहीं निकाल रहे, ये आरएफपी का डॉक्यूमेंट है 28 अगस्त 2007, जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो अरुण जेटली जी की आदत है कि वो एक के बाद एक झूठी बातें करते रहते हैं। रियलिटी है कि यहां पे राफेल मामले में 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी को दिया गया है, चौकीदार चोर है। Well, we'll have to take them one by one. Kartike. Sir, my question is, yeah, if Congress comes to power in 2019, we do cancel the Rafale, keeping in mind that so many issues of corruption have been... Look, the question is that the Prime Minister is involved in corruption. We are asking for a JPC. We are saying, let us not believe what the BJP is saying. Let us not believe what the Congress is saying. Let us have a JPC. Let us have a discussion in the JPC and let's see what comes out. Okay. We are very confident that the moment there is a JPC, there will be two people whose names will come up. One will be Anil Ambani and the second will be Narendra Modi. The capability of the aircraft
The quality of the aircraft is not at question here. We are very clear that the Rafale aircraft is a good aircraft and we are not questioning whether it is a deficient aircraft. The thing that is being questioned here is that the Prime Minister himself has changed the contract, developed a new contract, and helped his friend Anil Ambani steal from the Indian Exchequer. Mithilesh. सेंट परसेंट जांच कराएंगे एंड जांच बिल्कुल क्लियर है. इसमें टोटल प्रोसीजर की धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये सब लोग जानते हैं. सरकार में लोग इसको समझते हैं, सब पूरी ब्यूरोक्रेसी समझती है कि प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को सीधा पकड़ा दिया गया है. 10 दिन पहले कंपनी खुलवाई और उसके जेब में 30,000 करोड़ रुपए डलवाए, एचएएल को परे किया. ये सब लोग जानते हैं और ये सच्चाई आएगी. रमन जी, अच्छा आपने कल प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा ना, डेढ़ घंटा मूड कैसा था? मुझे उसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि प्रधानमंत्री ने कहा राफेल मामले पे मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है. मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में है प्रधानमंत्री जी. नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपसे सवाल किया जा रहा है. जनता पूछ रही है कि 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी को क्यों दिए. तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि प्रधानमंत्री सोचते हैं कि किसी और के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं. रामन सर, क्या आज राफेल चर्चा शुरू हुई उसी वक्त प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से चले गए, कल सरकार की तरफ से जवाब आएगा. आप सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की भूमिका इस पूरे मामले में रही, तो क्या नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए और मैं आपको बता देता हूं कौन से सवालों के जवाब देने चाहिए. पहला सवाल, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन दी, हां या ना? पहला सवाल. दूसरा सवाल, जो हवाई जहाज का दाम 526 से 1600 करोड़ रुपए तक बढ़ा है, वो किसका डिसीजन था? डोंट वरी, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम. वो किसका डिसीजन था? क्या वो नरेंद्र मोदी का निर्णय था या फिर वो इंडियन एयरफोर्स का डिसीजन था? और अगर एयरफोर्स का डिसीजन नहीं था तो क्या एयरफोर्स ने प्राइस इंक्रीज के बारे में अपना ऑब्जेक्शन दर्ज किया, हां या ना? दूसरा सवाल. तीसरा सवाल, अनिल अंबानी ने जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया है. आप सरप्राइज लग रही हैं. जिंदगी भर उन्होंने हवाई जहाज नहीं बनाया है. एचएएल 70 साल से बना रही है. मिग हवाई जहाज, भैया प्लीज, नो प्रॉब्लम, न्यू ईयर में हो जाता है. मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, तो बहुत एक्सपीरियंस है एचएएल के पास. तो एचएएल को परे करने का किसका डिसीजन था? और शायद सबसे जरूरी सवाल, जो हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनना था, मेक इन इंडिया, जिससे शायद हिंदुस्तान की एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ती, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ती, वो निर्णय क्या एयरफोर्स ने लिया या नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लिया? और एक और सवाल, होलैंड जी ने जो नरेंद्र मोदी जी की और उनकी मीटिंग के बारे में बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं मुझे बताया
कि एचएएल को परे करना है और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है जिसके ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है भाइयों और बहनों, क्या होलैंड जी झूठ बोल रहे थे या उन्होंने सच बोला? ये सवाल है प्रधानमंत्री जी के सामने, और कोई भी वो भाषण दे तो ये इन सवालों के जवाब देश सुनना चाहता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी सक्सेसफुली इन सवालों के जवाब दें, क्योंकि हम सिर्फ सच्चाई ढूंढ रहे हैं, और अगर नरेंद्र मोदी जी इन सवालों के जवाब क्रेडिबिलिटी के साथ दे दें तो अच्छी बात है। धन्यवाद जी। आता है समझ में, वो आपको फीलिंग मतलब लगती है कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पे। सहमत हूँ आपके साथ, सहमत, आई एग्री विद यू। नहीं, ये तो आप मतलब मुझे एम्यूनेशन दे रहे हो। ये देखिए, मान लीजिए जो गलत है, मगर मान लीजिए अगर जो जेटली जी कह रहे हैं कि दाम घटा, तो फिर हमने 126 क्यों नहीं खरीदे? 126 क्या, उससे ज्यादा क्यों नहीं खरीदे? पहला सवाल, पहला पॉइंट ये है। मेन इशू ये है कि आप अगर राफेल मामले को देखें तो सरकार की डिफेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। कहते हैं कि भैया दाम नहीं बताया जा सकता है, फिर आज आपने हमने आपके लिए अरुण जेटली जी की क्लिप प्ले की और उन्होंने आपको दाम बता दिया, लोकसभा में दाम बता दिया। सीतारमन जी कहती हैं पहले दाम नहीं बताया जा सकता, फिर कहती है बताऊंगी, फिर कहती है नहीं बताऊंगी। पारिकर जी कहते भैया आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट, अब टेप निकलती है, गोवा के कैबिनेट में डिस्कशन हो रहा है कि भैया पारिकर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मामला कंसिस्टेंसी का है। थैंक यू आदेश जी। हाँ हूं, वेल हूं, लाइसेंस इज नॉट करंट बट आई एम अ पायलट। या I would very much like to debate the Prime Minister one-on-one on Rafael, on anything about combat aircrafts, any strategic issue I'd like to discuss one-on-one with him. Just give me 20 minutes with the Prime Minister, debate one-on-one on Rafael, and then you decide what is what. But the Prime Minister does not have the guts. Forget, he doesn't have the guts to come and sit in front of you. I am coming here. You can ask me. आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आता हूं, हर 7-10 दिन आता हूं, आप मुझसे पूछते हैं, आपको खुशी होती है कि भैया हम खुल के सवाल पूछ सकते हैं। आपने कल प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा, आपने हंस रहे हैं, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, वो क्वेश्चन भी कर रही थी, प्रधानमंत्री के आंसर भी दे रही थी साइड में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल क्लियर है, दिस इज नॉट आवर ज्यूरिसडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि भैया देखिए, ये
हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि जेपीसी नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमने भी एक इशू उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ लिखा हुआ था कि सीएजी रिपोर्ट हैज कम। खारगे जी यहां आए, खारगे जी ने कहा भैया सीएजी रिपोर्ट हैज नॉट कम। सो देर आर इश्यूज विद द जजमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सेइंग दैट देर इज नो करप्शन इन राफेल। सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह रहा है कि राफेल में करप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यह भी नहीं कह रहा है कि राफेल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यह कह रहा है कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। थैंक यू। नहीं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में हाँ सो वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क द स्पीकर कैन आई प्ले द टेप। द स्पीकर रिफ्यूज टू प्ले द टेप, रिफ्यूज टू अलाउ मी टू प्ले द टेप। सो देन द क्वेश्चन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द टेप ओवर देयर इज म्यूट, बिकॉज इफ आई प्ले द टेप देन द क्वेश्चन ऑफ ऑथेंटिसिटी अराइजेस। हाउएवर द कांग्रेस पार्टी हैज प्लेड द टेप, द कांग्रेस पार्टी हैज मेड द टेप अवेलेबल, द ट्रांसक्रिप्ट आई रेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट एंड द टेप इज ऑथेंटिक। ओके वन सेकेंड वाई डोंट यू वेट एंड लेट मी टेल यू समथिंग एल्स, लेट मी रिपीट इट। देर माइट बी मेनी अदर टेप्स ऑफ दैट नेचर डूइंग द राउंड्स। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। There might be. Thank you. Do you think Mr. Parikar will not deny? Yeah. No, but you would, but listen, I mean, if you were Vishwajit Rane, would you not deny it? You sure about that? Oh no, you sure about that? Are you sure about it? Thank you.